चैनल आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अंडर 10 रुपीज मेकअप चैलेंज। जी यस, आपने एकदम ठीक सुना। आज जो मेकअप लुक मैं क्रिएट करने वाली हूँ वो सिर्फ 10 रुपए के अंदर ही होने वाला है। बिकॉज मुझे इंस्टा पर, व्हाट्सअप पर काफी टाइम से कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि आप ऐसा मेकअप लुक क्रिएट करिए जो अफोर्डेबल भी हो, देन हमारे बजट में भी हो। इसलिए आज मैं इस लुक को क्रिएट कर रही हूँ। अभी मैंने अपने फेस को वॉश किया है डव फेस ब्यूटी बार सोप से, जो आपको मार्केट में 10 रुपए का इजीली कहीं पर भी मिल जाएगा। और ये सोप बहुत अच्छा है, जो आपकी स्किन को ड्राई बिल्कुल भी नहीं करता, इनफैक्ट स्किन को स्मूथ बनाता है। तो हमें सबसे पहले डव फेस ब्यूटी बार से अपने स्किन को वॉश करना है, फेस वॉश करने के बाद मेकअप के पहले हम सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज करते हैं। तो यहाँ मॉइस्चराइज करने के लिए मैं अपने फेस पर यूज़ कर रही हूँ स्किन फ्रूट मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो आपको 10 रुपए का इजीली कहीं पर भी मिल जाएगा। और ये बहुत लाइट भी है, स्मूथली हमारी स्किन पर एब्जॉर्ब हो जाएगा ये। तो हम इससे अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लेंगे। मॉइस्चराइज करने के बाद हमारे फाउंडेशन देन कंसीलर की कमी को पूरा करता है स्पिंच बीबी ब्राइटनिंग एंड ब्यूटी फेयरनेस क्रीम। ये भी 10 रुपए का है, आपको कहीं पर भी ये बहुत इजीली मिल सकता है। इसको पूरे फेस पर आपको लगाना है। क्रीम को अच्छे से लगा लिया है मैंने, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है स्पिंज की। मैं डेली बेस में भी इसको यूज़ करती हूँ एंड इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। क्रीम को लगाने के बाद हम लगाएंगे स्पिंज बीबी ब्राइटनिंग ब्यूटी टॉप पाउडर। ये भी 10 रुपए में आपको इजली कहीं भी मिल जाएगा। इसको हम लूज पाउडर की तरह यूज़ करेंगे, सारा एक्स्ट्रा हमको हटा देना हल्का सा। काजल के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का ये 10 रुपए वाला काजल। काफी टाइम बाद काजल लगाया है आज मैंने, वैसे मैं काजल बहुत कम लगाती हूँ। आईब्रोज फिल करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये ADS की ही आईब्रो पेंसिल है, जो मेरे पास काफी टाइम से रखी हुई थी। ये आपको 5 रुपए की कहीं पर भी मिलेगी। काफी अच्छी है ये आईब्रो पेंसिल। अब मैं अपने लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए यूज कर रही हूँ लीवा स्ट्रॉबेरी लिप बाम। स्मेल बहुत अच्छी है इसकी। देन अब हम ADS का लिप लाइनर यूज करेंगे आउटलाइंस के लिए भी और लिपस्टिक के लिए भी। मैं इसी लिप लाइनर को यूज करूंगी क्योंकि 10 रुपए में कोई भी अच्छा लिपस्टिक नहीं आता, और ये ADS का लिप लाइनर है जो बहुत अच्छा है। तो हम इसी को यूज करेंगे लिपस्टिक की जगह और आउटलाइन के लिए। दस रुपए में ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छा है ये 10 रुपए में। इससे अच्छा हमें कहीं कुछ भी नहीं मिल सकता हमारे लिप के लिए। आई शेडो के लिए भी मैं इसी लिप लाइनर को यूज कर रही हूँ, बट आई शेडो के लिए हमें एकदम हल्के शेड में यूज करना होगा। ये देखिए अच्छा लुक आया है ना, क्योंकि अब 10 रुपए में हमें कहीं कोई आई शेडो तो मिल नहीं सकता, इसीलिए हम इससे ही अपना आई शेडो का काम करते हैं। अभी मैं आईलाइनर के लिए भी अपने इसी काजल को ही यूज कर रही हूँ आईलाइनर के लिए। लास्ट स्टेप है
हाइलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बैसलीन पेट्रोलियम जेली। इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, एकदम हल्का यूज़ करना है, क्योंकि आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन चिपचिपी लगने लगेगी। एकदम हल्के उसमें लेना है इसको, जहाँ भी आपको हाईलाइट करना है वहाँ आप यूज़ कर लीजिए। और अपनी आईब्रोज के लिए भी मैं इसको हल्का सा टचअप देने के लिए भी वैसलीन का ही यूज कर रही हूँ। और हमारा मेकअप लुक कंप्लीट। बस बालों को खोल लीजिए। ₹10 में हमारा मेकअप हो गया, और आप खुद ही देखिए। इसके बाद आप चाहे तो कोई एक अच्छा सा हेयर स्टाइल कर सकते हैं। अभी मैंने कोई हेयर स्टाइल नहीं किया हुआ है। तो कैसा लगा आप सबको ये मेकअप लुक ₹10 के अंदर ही? और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिएगा।